बात है, पुलिया टूटी हुई है, पुलिया बनने नहीं, पुलिया नहीं पुल है, नदी है बीच में, वो नदी दोनों जिलों के बीच में, पीलीभीत और बरेली के बीच में है। ज्ञापन देने आए थे कमिश्नर साहब, क्या हुआ? देखिए डीएम साहब को तो कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, नवाबगंज प्रशासन को भी दिया जा चुका है, और ये पुल की समस्या लगभग 10 सालों से ये गांव के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्या, आज हम लोगों ने कहा कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया, चूँकि दो जिलों का मामला है, पीलीभीत और बरेली के बीच जो नदी है उस पर पुल बनने का है, दो जिलों की सीमा रेखा वहाँ पर मिलती है, तो लेकिन यहाँ काफ़ी देर ये तमाम कई गाँव से लोग आए हुए हैं और प्रतिनिधि मंडल गांव का आया हुआ है, तो इन लोगों ने कमिश्नर साहब के सामने एक घंटे लगभग इंतज़ार करने के बाद वहां से उन्होंने जवाब भिजवा दिया कि हम ज्ञापन नहीं लेंगे और हम कमिश्नर साहब से कोई मिल नहीं सकता है। तो ये चल रहा है, इस सरकार में चल रहा है और प्रशासन इस तरीके से काम कर रहा है, चुनाव का समय है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि ये ज्ञापन तो हम उन तक पहुंचाएंगे, अगर उन्होंने इस तरह से नहीं लिया है तो हम इसको रजिस्ट्री के द्वारा पहुंचाएंगे, अपनी बात तो हम पहुंचा के रहेंगे, वो करते हैं नहीं करते हैं ये उनका निर्णय होगा, लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस तरह से जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है और जनता को अनसुना किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, ये रवैया आज मुझे भी पहली बार देखने को, पहला अनुभव हुआ है कि किसी उच्च अधिकारी ने लोगों को लौटा दिया और ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। मैम क्या मामला है आज जो आप आए हैं प्रतिनिधि? देखिए ये मामला काफ़ी समय से चल रहा है, ये ग्राम नवाबगंज तहसील के ग्राम पेना पेनिया और जरपा मोहनपुर में एक नदी है, दोहा नदी है, उसके ऊपर एक पुल की आवश्यकता है जिससे वहाँ कम से कम 15-20 गांव हैं जो प्रभावित हैं, इनको आवागमन बिल्कुल नहीं है, बहुत ही भीहड़ टाइप का क्षेत्र है, बतपुरा ब्लॉक के ये गांव है नवाबगंज के, तो वहाँ पर पुल की समस्या को लेकर उस नदी के ऊपर कोई पुल नहीं है, लिहाजा ये लोग 20-25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के जाते हैं, वो भी ऊबड़ खाबड़ मार्ग है, लगभग 10 सालों से ये गांव अपने पुल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकारें बदल गई, विधायक और सांसद बदल जाते हैं, किंतु इनके पुल का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, और इस बात को लेकर ये इन्होंने बहुत धरने प्रदर्शन किए हैं, 10 साल बीत गए, इनकी एक फाइल मोटी फाइल तैयार हो गई, लेकिन न प्रशासन सुनने को तैयार, न जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार, न ही सरकार सुनने को तैयार है, तो आज पैनी नजर सामाजिक संस्था भी अब ज्ञापन दे रही है इस संबंध में कमिश्नर साहब को, इन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, अगर वहां पर तत्काल पुल का निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि अब कोई भी बहाना नहीं चल पाएगा, क्योंकि ग्रामीणों में और किसानों में बहुत आक्रोश है, ये सारे लोग किसान हैं और अपना गन्ना ले जाने में इनको बहुत दिक्कतें आती है, लगभग 6,500 क्विंटल का गन्ना ग्राम पहना और पहनिया से जा रहा है, और उसमें 15-20 गांव और जोड़ लीजिए तो कितना गन्ना है, और ये किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही पुल के बनने का अभी तक कोई ठोस आश्वासन मिला है। कल वहाँ डीएम साहब आने वाले थे लेकिन वो नहीं आ सके, मैं भी वहाँ पहुँची हुई थी, इससे पहले भी मैं पहुँच चुकी हूँ और इंतज़ार कर चुकी हूँ अधिकारियों का, लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुँचे, लेकिन अब केवल बातों के आश्वासन से काम नहीं चल पाएगा, किसान वहाँ पर वोटिंग नहीं करेंगे चाहे, और इन्हें धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि अगर वोटिंग नहीं करी तो आपके ऊपर मुकदमे लग सकते हैं, आपको ये जेल हो सकती है, इस तरह का दबाने की आवाज़ को दबाने के प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये किसानों की आवाज़ को दबा नहीं पाएंगे, और प्रशासन कर ले कुछ भी कोशिश, ग्रामीण कह रहे हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, और आपको मैं बता दूं, आप हैं हरीश गंगवार जी, जो उस नदी के पार का गांव है पुराना गांव, ये नदी जो है दोनों जिलों के बीच में बनी हुई, बीच में है पीलीभीत और बरेली के बीच में, लेकिन बरेली के अंदर आती है, इन्हें 10 साल हो गए हरीश गंगवार जी को ये लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन आज तक इन ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो आज संबंध में कि वोट पुल नहीं तो वोट नहीं, इस संबंध में हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। जी मैं जिला पीलीभीत तहसील विशलपुर ग्राम पुरैना का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारे यहाँ ये है कि हमारा जो है वो पीलीभीत जिला पड़ता है और इधर जो है हमारे गाँव के बाद क्षेत्र जो पड़ता है वो बरेली जिले का पड़ता है, हम दो जिलों के मध्य में हैं और इतना पिछड़ा क्षेत्र है, अति पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ वोट लेने के लिए तो लोग जाते हैं लेकिन
कोई विकास के नाम पर फिर उसके बाद कोई काम नहीं होता है। जहां हम 2016 से लेकर के अब तक एक दोहा नदी जो है देवा उसके पुल की मांग कर रहे हैं, वो सन 2020 में प्रस्तावित भी हुआ था। प्रस्तावित होने के बाद हमारे यहाँ जो वर्तमान विधायक थे उन्होंने वहाँ ना बनवा कर एक दूसरी जगह बनवा दिया वहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर। तो हम लोग फिर धरना प्रदर्शन पर चले गए 6/4/2023 को। तब हमारे यहाँ विधायक ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि ठीक है आपका दूसरा सेतु बन जाएगा, उसे बनने दीजिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है हमारा दूसरा सेतु बन जाए। इसी बीच हम लोग 6 बार डीएम महोदय से भी मिले। डीएम महोदय ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया था ठीक आपका सेतु, और सेतु निगम के अधिकारियों से हमारे लोगों की वार्ता भी करवाई थी और कहा ठीक आप जहाँ पे आप लोग मांग कर रहे हैं सेतु आपका वहीं पर बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आश्वासन जो दिए थे वो सब झूठ के झूठे आश्वासन निकले। उनके विधायक महोदय के पास भी हम गए थे, सांसद जी के पास भी गए थे, और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हमने पत्र भेजे, तो किसी के यहाँ से कोई जवाब नहीं आया। इस तानाशाही सरकार के चलते हुए माननीय चुनाव आयुक्त जी के यहाँ से 2 पत्र आए थे वापसी। उन्होंने कहा कि ठीक है मैंने आपके लिए, आपके विभाग के लिए आपकी कार्रवाई प्रेषित कर दी है। उसके बाद इस सरकार के यहाँ से कोई जवाब हम लोगों को नहीं मिला। निराशा हुई। हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग भारत के नागरिक ही नहीं हैं, इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो इस चीज़ को चलते हुए हम लोग इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए हम सारे क्षेत्रवासी चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर हमारा पुल हमें नहीं दिया गया। कितने गांव होंगे उससे जुड़ने वाले? उस क्षेत्र में लगभग 50 गांव पड़ते होंगे पीलीभीत जिले के, 50 गांव लगभग बरेली क्षेत्र में पड़ते होंगे। वैसे तो बरेली और पीलीभीत दोनों जिले जुड़ रहे हैं उससे, दोनों जिले के मध्य के एरिया होने की ही वजह से कोई नेता, कोई अधिकारी वहाँ सुनने नहीं जाता है हम लोगों को।